ये कोर्ट की हियरिंग पास में आ रही है ना, तो आई एम श्योर ये लक्ष्मी ना डर गई होगी कि कहीं अपनी बेटी को खो ना दे, कहीं कोर्ट इसकी बेटी की कस्टडी ऋषि को ना दे दे, इसलिए इसने ये सब कुछ कर दिया। इसलिए इसने नकली किडनैपिंग का नाटक किया ताकि किडनैपिंग को हथियार बनाए और पैसे हड़प ले, पैसों का इंतजाम करे। और देखो ना, पैसे ले लिए इसने और पैसे वापस भी नहीं दिए, नहीं लाई ना पैसे वापस। अब ये ना मुझे तो लगता है कि ये पारो भी ना इसके किसी अपने के घर में होगी। हाँ, इसी के साथ होगी वो। और फिर कुछ टाइम के बाद ना ये पारो को लेके भाग जाएगी यहाँ से, बहुत दूर चली जाएगी, फिर हमें कभी मिलेगी भी नहीं। अब अभी सच में ऐसा है कि... अरे हाँ हाँ 100% मुझे तो यही लगता है, बाकियों का पता नहीं। दीप, ऋषि बस पहुंचने ही वाला है। कुछ हुआ है क्या? दी भाभी, सब लोग ऐसे बाहर क्यों आ गए? क्या हुआ होगा? पता नहीं ऋषि भाई, पर कुछ टेंशन की बात लग रही है। जल्दी 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 चल। मॉम सब ठीक है ना? आप लोग सब यहाँ से बाहर क्या हुआ है? हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ऋषि। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम बेहोश किसी एक जगह पर हो और जब तुम्हें होश आए तो तुम घर के सामने हो। कैसे पॉसिबल है? मतलब मॉम, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि ये बंद कार में तुम्हें फोन मिलता है? और सिर्फ फोन मिलता नहीं है, उस फोन पर कोई तुमसे बात करता है और मिलने की जगह ही बदल देता है। तुम 50 लाख रुपए लेकर जाते हो किसी को लेने के लिए, लेकिन जिसे लेने गए हो उसे लेकर वापस ही नहीं आते। वो पारो को लेकर ही नहीं आई, पारो आई नहीं उसके साथ। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रही हैं। प्लीज साफ साफ बताइए ना बात। ऋषि, ऑफिसर ब्रजेश ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कह रहे थे ना कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य है जिसने किडनैपिंग की है। हमें लगता है कि वो कोई और नहीं, वो लक्ष्मी ही है। What? हाँ। पहले क्यों नहीं सोचा हमने ये? हमें ऐसा क्यों लगा कि वो ये नहीं कर सकती, जबकि वो केपेबल है, वो ऐसा कर सकती है और उसी ने किया है ये। मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लक्ष्मी को गलत समझ रही हैं। लक्ष्मी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। मैं समझ सकता हूँ मॉम, आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, आपको चिंता हो रही है पारो की, लेकिन लक्ष्मी ऐसा कभी करेगी नहीं पारो के लिए। तुम हमें एक बात बताओ, क्या तुम गैर जिम्मेदार पिता? तुम अच्छे पिता नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट पारो की कस्टडी तुम्हें नहीं देगा? नहीं मॉम, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मुझे। आई एम अ गुड फादर, मैं बहुत अच्छा पिता हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। एंड डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि कस्टडी कोर्ट मुझे ही देगा। एग्जैक्टली ऋषि, एग्जैक्टली इसीलिए लक्ष्मी ने पारो का किडनैप करवाया है। इसीलिए कल कोर्ट में हियरिंग है, पर बच्चा ही नहीं होगा तो हियरिंग का क्या फायदा? पारो को ढूंढा जाएगा और 2-3 दिन में लक्ष्मी खुद गायब हो जाएगी। और अब तो उसके पास पैसे भी हैं तो कोई टेंशन भी नहीं है। मॉम आप गलत समझ रही हैं, लक्ष्मी को ऐसा नहीं है, लक्ष्मी ऐसा कभी नहीं करेगी। मॉम हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं ऋषि,
ऐसा ही हुआ है पारो, पारो लक्ष्मी के पास ही है और अब तो उसने पैसे भी चुरा लिए हमसे। तुम बताओ हमें कि कैसे ऐसा हो सकता है कि तुम बेहोश कहीं और हुए और तुम्हें होश आया तो तुम घर के सामने थे। कोई बताए हमें कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि मीटिंग की जगह बदल दी गई, कैसे पॉसिबल है कि एक बंद कार में किसी को फोन मिल गया। है इन सवालों का कोई जवाब? नहीं, इन सवालों का कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सब कुछ लक्ष्मी ने किया है, ये पूरा जाल लक्ष्मी ने फैलाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी भी आपकी बात से सहमत नहीं करता हूँ। मुझे लगता है लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप सब लोगों को, मुझे नहीं लगता। नहीं, दी बिल्कुल सही कह रही है, ये लक्ष्मी ने किया, ये लक्ष्मी ने ही किया है। ये बहुत चालाकी से उसने ये चाल चली है, वो ऐसी ही है ऋषि। नहीं ऋषि, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं और तुम ना हमेशा की तरह फिर से उस पर विश्वास कर लोगे। और हमेशा की तरह आप लोगों को भी गलतफहमी हुई है लक्ष्मी को लेकर। वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं जानता हूँ लक्ष्मी को, अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। गलतफहमी हमें नहीं तुम्हें हो रही है ऋषि, सिर्फ तुम्हें। सब कुछ लक्ष्मी ने ही किया है, हमारी पारो लक्ष्मी के ही पास में है। रोहन अभी तक आया क्यों नहीं अपने रूम से? कॉल तो किया था मैंने, फिर क्यों नहीं आया? मॉम, ये लो फोन। रोहन बेटा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है फोन मत यूज किया करो, इतना फोन चलाओगे तो आंखें और खराब हो जाएंगी ना, अभी आपकी आईसाइट बेटर हुई है। ऋषि सुनो ना, देखो ये कितना फोन यूज कर रहा है, तुम एक काम करो, तुम इसे फोन ले लो और लक्ष्मी को दे दो। एक्चुअली जाने से पहले उसने रोहन को दिया था खेलने के लिए, तो प्लीज तुम इसे रिटर्न कर दो, दे ही नहीं रहा मुझे। रोहन फोन दे। ये लो डैड। रोहन बैठ इधर, तेरा फीवर गया नहीं अभी तक? हाँ, तुझे अभी भी फीवर हो रहा है और बहुत हाई फीवर है, तूने दवाई ली? हाँ ऋषि, मैंने दी थी दवाई। ओके रोहन, तू अब सिर्फ रेस्ट कर, ओके, रूम में जा और रेस्ट कर, ठीक है? डैड पारो वापस आ जाएगी ना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। डैड वो वापस कब आएगी, प्लीज बताओ ना, बताओ ना डैड। पारो को कुछ नहीं होगा, आपके डैड है ना, आपकी बहन को कुछ नहीं होने देंगे, बहुत जल्द वापस वो घर आएगी। ओके, आई प्रॉमिस।